को रचना बनाएं। बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में ये क्रमशः एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और 4 से 6 नंबर का प्रश्न इसमें अवश्य आता है और इसे सभी प्रकार के छात्र, चाहे वो कितने कमज़ोर हों या होशियार हों, सभी छात्र बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसमें बिना किसी मेहनत के, यानी ज़्यादा मेहनत किए बिना और कम रिविजन करके भी आप आसानी से एग्ज़ाम में बना सकते हो। तो मैं आज इसको आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ बनाइएगा। तो वीडियो को पोज करके हाथों हाथ बनाते जाइएगा और आप निश्चित रूप से 100% ये रचनाएं आपको आ जाएंगी। अगर आपको हमारी रचनाएं बनानी पसंद आ जाएं तो चैनल को लाइक ज़रूर करते रहना। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट रचना। इसके लिए आपको चाहिए एक स्केल और चाहिए 2 पेंसिल और 1 प्रकार। तो अब इसमें जो है आपको 2 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना। नंबर 1 जरा ध्यान देंगे तो इसमें हम 3 प्रकार की रेखाएँ होंगे। एक लिखेंगे डार्क लाइन और एक लाइन होगी डॉट लाइन और एक होगी लाइट लाइन। तो इसमें 3 प्रकार की लाइन होंगी। देखिए डार्क, लाइट और डॉट, ये 3 रेखाएं रचना में दिखनी चाहिए। अगर आपकी रचना में ये 3 चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि डार्क लाइन, लाइट लाइन और ये डॉट लाइन, तो ये 3 चीज़ें प्रश्न में आपको दिखनी चाहिए। तो अगर आपकी रचना में ये 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं तो आपको पूरे नंबर 100% नंबर, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। साथ में इसमें रचना के पद भी लिखने होते हैं तो उसमें आपको याद करने की या कोई रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे रचना बनाएंगे हम वैसे वैसे लिख देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए करते हैं स्टार्ट रचना। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। रचना लिखिए और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां मापकर लिखिए। तो वृत्त हमें सबसे पहले जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का देखिए वृत्त कैसे खींचेंगे। ये आपका स्केल है, ये प्रकार है, यहाँ पर आपको 0 पे प्रकार की नोक ऐसे रखनी है और इसको 3 तक ले आना है। तो 3 देखिए यहाँ से अगर ज़्यादा है तो इसको इस तरह से खसका के 3 तक हम ले आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। ये आपने 3 सेंटीमीटर दिख रहा होगा और ये लेके आप यहाँ पर वृत्त बना देंगे। तो देखिए किस तरह से वृत्त बनाते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। तो मैं सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त ये बना देता हूँ। देखिए 3 बातों का हमने बताया था कि विशेष रूप से ध्यान रखना है इसमें। नंबर 1 जो दिया है प्रश्न में वो लाइट लाइन बनानी है, ठीक है, जो प्रश्न में दिया है वो लाइट लाइन, ठीक है, तो जो हमें निकालना है उसे डार्क करना। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, तो अब हम केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट ले लेते हैं। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर देखिए पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें मिला देना है केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पे, पॉइंट आ गया। अब करना क्या, इसको मैं लिख देता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ यहाँ पर ओ और इसे नाम दे देता हूँ ओ डैश। कितनी दूरी है, 7 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं डॉट डॉट लाइन से। आप मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना जरा समझेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, उसके बाद केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक पॉइंट ओ और दूसरा ओ डैश ले लिया। अब ओ डैश का लंबरदक करना, तो लंबरदक कैसे करते हैं, ओ डैश की दूरी है 7, इसका आधा हो गया 3.5, यानी इसके आधे से अधिक दूरी भरनी है और आधे से अधिक। देखिए इस तरह से चांप लगानी दोनों साइड में, इस तरह से हल्के डार्क नहीं होने चाहिए चाप, ये एक इधर साइड से अब करना क्या है, इनको पैमाने से मिला दीजिए। ये हो जाता लंब अर्धक, क्या हो गया ये लंब अर्धक। ये काम सब आपको डॉट करना है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा काम है वो डॉट लाइन से होगा और जो प्रश्न में दिया है वो लाइट लाइन से और जो हमें निकालना है वो डार्क लाइन से। 3 बातों का इसमें विशेष आप से ध्यान रखना है। अब उसके बाद इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है। प्रकार की नुक जो है वो यहाँ पर रखनी है आपको, यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं, देखिए ये पॉइंट बन गया। और प्रकार की नुक यहाँ रख कर आपको फिर एक सर्किल
और बना देना है जो ओ ओ डैश से होता हुआ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सर्किल बना दिया। ये भी हमें लाइट ही बनाना है, डार्क नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लाइट ही करना है, डार्क नहीं करना है, यानी हल्का ही खींचना। अब हमें करना क्या है, जहाँ पर ये पॉइंट काट रहे हैं यहाँ पॉइंट बना देना और इधर ये पॉइंट बना देना, इसको हमें डार्क कर देना है, इतना इतना डार्क करना है और बाकी पीछे डॉट डॉट आपको बढ़ा देना। तो देखिए मैंने क्या करा, इतना इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो है डॉट डॉट लाइन से बढ़ा देना। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी लाइन क्यों नहीं खींची, क्योंकि हमें नाप के भी लिखनी है इसकी लंबाई। तो नाप के जो लंबाई लिखेंगे वो केवल हम इतनी लिखेंगे, इसे नाम दे देता हूँ मैं ओ, इसे दे दिया मैंने बी, यानी ओ बी जो कहलाती है वो स्पर्शी की लंबाई कहलाती है। ऐसे इधर भी देखिए डार्क कर देता हूँ मैं, डार्क पेंसिल ले लेते हैं और समझ में आ रही है, अच्छे समझ लीजिए। देखिए बाकी आगे जो है डॉट डॉट लाइन से इसको बढ़ा देंगे, इस तरह से। तो ये आपके सामने देखिए रचना बन चुकी है, 4 से 6 नंबर के बीच में रचना आती है। इसमें स्पर्शी पूछी तो हम स्पर्शी को डार्क कर देते हैं जिससे ये जो है दूर से ही दिखाई दे। डार्क कर दी मैंने, ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी, तो आपको इसको थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रचना बन के तैयार हो गई। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, और इसी तरह से आपको बनानी है। देखिए इसमें तीनों लाइनें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं, डार्क लाइन हो गई, ये लाइट हो गई और ये डॉट लाइन, ठीक है। तो ये तीनों रचनाएं आपको दिखनी चाहिए। अब इसमें क्या है, रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो रचना के चरण कैसे लिखते हैं, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है आप वैसे वैसे इसको नीचे लिख देते हैं। तो इसमें लिख दे बैंची जो होती है रचना ही होती है। अगर आपकी रचना अच्छे से बनी हुई है, साफ स्पष्ट बनी हुई है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, रचना में इतने नंबर इसके नहीं कटते हैं। तो मैंने इसका चित्र जो है वो आपको बहुत सावधानी से अच्छे से बनाना है। अब देखिए इसमें लंबाई भी पूछी है, तो लंबाई पैमाने से हम जो है ये नाप लेंगे, ये कहलाती है स्पर्शी की लंबाई। यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक हम जो है स्पर्शी की लंबाई नाप लेंगे। तो ये जो स्पर्शी की लंबाई है देखिए लगभग आ रही है 6.3, कितनी लंबाई आ रही है 6.3। देखिए यहाँ से ओ से ओ डैश से बी तक की जो दूरी है वो है स्पर्शी की लंबाई। तो स्पर्शी की लंबाई कितनी हो गई, स्पर्शी की लंबाई स्पर्शी की लंबाई बराबर 6.3 सेंटीमीटर। तो स्पर्शी की जो लंबाई हो गई वो कितनी होगी, 6.3 सेंटीमीटर। तो मैं समझता हूँ आपको ये रचना पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। अगर आपको ये रचना समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में जो लाल बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब अगली रचना समझते हैं। अब देखिए अगली रचना करते हैं। अगली जो रचना ये भी बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त पे ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं, और उसमें से एक स्पर्शी की लंबाई मापिए और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रचना विधि के सोपान को संक्षेप में लिखिए। तो प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें कितना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले हमें वृत्त खींचना है और क्या करना है, वो दोनों स्पर्श रेखाएं 60 अंश का कोण बनानी चाहिए। तो सबसे पहला काम है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भर लेनी है। किसकी सहायता से, पैमाने की सहायता से। तो 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, तो आप 5 सेंटीमीटर दूरी भर लीजिए। कैसे दूरी भरते हैं, जिसे नहीं आती एक बार समझ लीजिए ज़रा। तो देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी कैसे भरनी, हमें 0 पे यहाँ रखना, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर मैं इधर से कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए। 5 सेंटीमीटर देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, अगर ये ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे मैंने ये 5 सेंटीमीटर दूरी ले ली है, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। 0 से बच्चे इस किनारे से लेते हैं, आपको इस किनारे से नहीं लेनी, यहाँ जो 0 बना है यहाँ से नापनी है, पैगा के इनको यहाँ रखनी है और आगे जो है जहाँ पूरा 5 है इतना 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का देखिए वृत्त बना रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये
बन गया। हल्का ही बनाना है, मैंने अभी आपको बताया था कि तीन बातों का रचना में विशेष ध्यान रखना है, डॉट लाइन, डार्क लाइन, लाइट लाइन और डार्क लाइन। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब यहाँ पर देखिए जो खास बात है ध्यान देने वाली, यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये दे रखा है कि स्पर्श रेखा एक दूसरे से 60° कोण बनाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, 180 में से जो स्पर्शी या कोण बना रही हैं वो माइनस कर देना। तो 180 में 60° का कोण बना रही है तो कितना बचा, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो बचा 120° का। तो आपको करना क्या है, 120° का कोण केंद्र पर बनाना है। कितने अंश का कोण, 120° का कोण केंद्र पर बनाना है। तो चलिए देखिए, अब हम 120° का कोण केंद्र पर बनाते हैं। तो कैसे पता चला हमें, स्पर्शियों के बीच का जो कोण है उसे 180 में से माइनस कर देना। अब मैं इसका 120° का कोण बनाते हैं केंद्र पर। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए कहीं पर भी आप इसको मिला दीजिए, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको कहीं से भी आप मिला देंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ से ये मिला दिया। ठीक है, केंद्र से इसको एक लाइन खींच दीजिए, आप दे दीजिए ओ, इसको नाम दे दीजिए। अब इस पर हमें 120° का कोण बनाना है। तो इसको आप ज़रा अच्छे से समझ लीजिए कि 120° का कोण कैसे बनेगा। तो मैं 120° का कोण बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। तो 120° का कोण कैसे बनेगा, प्रकार के नुकड़े यहाँ रखेंगे ऐसे। जब एक बार चाप लगाते हैं तो 60° का कोण बन जाता है। तो यहाँ देखिए, एक बार चाप लगाने से कितना कोण बनेगा, 60° का। तो देखिए 60° का कोण बनाऊंगा, पहले एक बार चाप लगाया 60, एक और लगाएंगे ये हो जाएगा 120, कितने का हो जाएगा, 120° का। तो एक बार चाप लगा दीजिए, पहले प्रकार के नुक यहाँ रखिए ओ पे, एक बार चाप लगाया, ध्यान से समझ लीजिए, ये लगाया चाप, फिर उसके बाद प्रकार के नुक यहाँ रखी, यहाँ से ये लगा दिया और उसे जो है इसको अब यहाँ से खेल से मिला देंगे। तो इस तरह से 60 60 120, एक बार चाप लगाने से 60° का कोण बनता है। और अगर हम दो बार लगा देते हैं तो बन जाता है 120° का। दोनों लीजिए, ये बन गया 120° का। बात समझ में आ रही, अब इसके बाद अगला स्टेप समझिए। तो यहाँ पर हमने कितना कोण बनाया, 120° का। अब अगला स्टेप क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट, इस तरह से बना दें तो ये बढ़िया रहता है, क्योंकि बाद में हम स्पर्शी की लंबाई भी निकालते हैं। अब आपको करना क्या है, इस ए पॉइंट पर 90° का कोण बनाना है, यहाँ पर ए पर और बी पर। तो 90° का कोण कैसे बनाते हैं ज़रा सीख लीजिए अच्छे से। तो 90° का कोण हम कैसे बनाएंगे, आप इसको सीख लीजिए। तो 90° का कोण बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रकार की नुक रखनी है। ठीक है, पहले 100 बनाएंगे, देखिए 90° का कोण बनाने के लिए पॉइंट से निशान बना दीजिए यहाँ से, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से देखिए, एक बार चाप लगाते हैं तो बनता है 60। ठीक है, एक बार चाप लगाने से कितना बनेगा, 60। एक बार और चाप लगाएंगे, यहाँ से देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक बार और लगाएंगे, ये हो गया 120 और 60 का आधा करेंगे। जब हम 120 और 60 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 90। थोड़ा सा और देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, 90° कोण। अब इसे क्या करना है, हमें यहाँ से इसको मिला देना है, 90° का कोण ये बनाना। ऐसे ही यहाँ पर इस सिरे पे भी 90° का कोण बनाना। तो इस सिरे पे 90° का कोण कैसे बनाएंगे, जैसे उधर बनाया बिल्कुल वैसे ही यहाँ बनाएंगे। तो पहले एक बार चाप लगाएंगे, एक बार चाप लगाएंगे तो 60° का हो गया, एक चाप और लगाएंगे ये हो गया 120 का। अब इनका आधा कर देंगे, ये हो गया 90° का कोण, इसे भी हम यहाँ से मिला देंगे। अब आपको क्या करना है, जरा विशेष ध्यान देना, यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो मिल गया, इसे नाम दे देते हैं हम सी। आप नाप कर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है 60° का बैठेगा। ठीक है, तो इसे हम चांदे से इस तरह से नाप के देख सकते हैं। तो यहाँ पर चांदा ऐसे रख लेंगे और यहाँ से नाप के देखेंगे तो देखिए आप ऑटोमेटिक जो है ये 60° का ही कोण बैठ रहा है यहाँ पर।
60 अंश का ही कोण लगभग बैठ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस कोण को नाप भी सकते हैं। तो 60 ये हो गया और 120 ये हो गया, टोटल हो गया 180। यहाँ पर देखिए इन दोनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है। तो अब आपको करना क्या, पहले की तरह करना है, यहाँ से यहाँ तक के इसको डार्क करना है और बाकी को लाइट। तो मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ से इतना तो डार्क करेंगे, यहाँ से एक पेंसिल आपको डार्क लेनी है, एक लेनी लाइट, ठीक है, और बाकी आगे डॉट लाइन खींच देनी। ऐसे ऐसी इधर भी करना आपको, समझ लीजिए अच्छे से। और बाकी क्या करनी है, डॉट लाइन लगा देंगे, जितनी जगह है कॉपी में उतनी आप इसको बढ़ा सकते हो। तो आप जरा जहाँ से देखिए, देखिए तीनों चीज़ें मुझे इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ये लाइट लाइन हो गई, ये इतनी डार्क हो गई, और ये डॉट लाइन हो गई। तो इन तीन बातों का विशेष रूप से रचना में ध्यान रखना है। तो ये आपकी रचना बन चुकी है, ये 4 से 6 नंबर की रचना पूछी जाती है। तो 2 रचना मैं और इसके बाद कराऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लाल बटन दबाकर, और साथ में लाइक बटन जरूर दबाते रहिएगा। तो इसमें क्या, अब देखिए रचना के चरण भी आते हैं। तो रचना के चरण कैसे लिखने, जैसे जैसे आपने इसको बनाया है बिल्कुल वैसे वैसे इसको लिख देना, इसमें कोई खास बात नहीं। जैसे अगर आपको रचना बनानी आ गई तो रचना के चरण भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे बना रहे हैं इसको वैसे वैसे लिख देंगे, बस हेडिंग डालेंगे रचना के चरण, और उसमें लिखेंगे नंबर 1 क्या करा, नंबर 2 आप नंबर 1 पर आपने क्या करा था, व्रत बनाया। तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक प्रकार में कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने व्रत बनाया था। तो सर्वप्रथम हमने प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक व्रत बनाया, कितनी सेंटीमीटर का लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाया, नंबर 3 बिंदु ए पर और बी पर 90 अंश का कोण बनाया, जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। अतः AC और BC अभिष्ट स्पर्शी हैं, जो एक दूसरे को 60 अंश का कोण बनाती हैं। तो इस प्रकार से आपने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे इसकी रचना आपके चरण लिख सकते हैं। अब बात चलती है रचना की स्पर्शी की लंबाई नापना, तो आप स्पर्शी की लंबाई भी नाप सकते हैं। स्पर्शी की लंबाई मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, पैमाने को वैसे रखना है, 0 को यहाँ पे इस लाइन पे और यहाँ तक नाप लेना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 8.67। यहाँ पे आप जितनी सावधानी से इसको बनाएंगे उतना ही आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये रचना आपकी हो गई, तो इसे आप नाप के लिख देंगे, तो रचना आपकी नाप लेंगे, नापने पर आ गई आपकी 8.3 सेंटीमीटर। तो इस स्पर्शी की लंबाई कितनी हो गई, AC इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर, ये हो गई इस स्पर्शी की लंबाई। तो नापना समझ में आ गया, कैसे नापना, ये जो 0 है वो यहाँ पर रखना आपको, ठीक है, ऐसे रखें और यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ तक नाप लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप रचना की ये लंबाई नाप सकते हैं। तो नाप के यहाँ पर लिख दीजिए, तो इस स्पर्शी की लंबाई कितनी आ गई, 8.3 सेंटीमीटर। मैं समझता हूँ ये रचना आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए अगली रचना समझते हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, हमें एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और उसे 3 और 5 के अनुपात में बांटना है, बाद में उन्हें नाप के भी लिखना है। तो कैसे हम खींचेंगे इसको, सबसे पहले देखिए 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड मैं खींचता हूँ। तो इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, 0 से लेकर 7 तक का रेखाखंड खींच देंगे, ये 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच गया। अब हमें करना क्या है, इसको ये 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच गया, अब इसे हमें 3:5 में बांटना है। तो पहले इनका अनुपाती योग कर लेंगे, तो 3:5 इनका अनुपाती योग कितना हो गया, 8, यानी कि इनका जो अनुपाती योग हुआ उतना हम न्यून कोण का मतलब 90 से कम का कोण बनाती हुई एक लाइन नीचे की ओर खींच देंगे। कोई भी कोण ले लीजिए आप, एक जैसा ले लीजिए, तो मैं 60 का ही ले लेता हूँ दोनों साइड में। तो यहाँ पे एक न्यून कोण आपको जो है 90 से कम लेना है, कोई भी कोण ले लीजिए,
तो मैं यहाँ पर देखिए 60 अंश का कोण न्यून कोण होता है, तो मैं यहाँ से 60 लेकर ले लेता हूँ और इतना ही एक हमें इधर बनाना, दोनों सिरों पर एक जैसा कोण बना दीजिए। आप कोई सा भी कोण बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आप यहाँ डी की सहायता यानी चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों सिरों पर जो है न्यून कोण 60 अंश का बना दिया। अब मैंने इसे क्या करा, पैमाने से इस तरह से खींच दिया, मिला दिया डॉट लाइन से। ऐसे ही आपको यहाँ भी करना है, इस साइड में भी आपको ये खींचना है। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, डॉट लाइन ऐसे खींचना, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसको ज़रा ध्यान समझेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमने अनुपाती योग किया 8, यानी कि इसके 8 बराबर भाग हमें करने हैं। तो प्रकार में आप इतनी दूरी ले लीजिए कि इसके 8 भाग हो जाए। किस तरह से देखिए, इस तरह ले ली हमने दूरी, कोई भी दूरी ले लीजिए आप, इसके 8 बराबर भाग कर दीजिए। एक इतना ले लीजिए आपकी कॉपी में आ जाए, दो ऐसे कुल मिला के 8 करने हैं दोनों साइड में कर लीजिए। और इनके जो है नाम दे देते हैं हम, पहला B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। बात समझ में आ रही, हमने इनके 8 नाम दिए। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ भी करने हैं हमें, यहाँ भी इसके 8 बराबर भाग करने हैं। जितनी दूरी से इधर किए हैं बिल्कुल सेम यही दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, जितनी दूरी पर आपने 8 भाग किए हैं उतनी दूरी पर इधर करनी है सर के, आप इसके 8 भाग कर देंगे। देखिए 1, 2 ऐसे करते जाइए, तो इस तरह से कुल मिला के हमें 8 भाग करने हैं। जैसे उधर B1 B2 B3 लिखा, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अब देखिए करना क्या आ जा रहा है, इसको समझना इस स्टेप को। अब हमें करना क्या है, हमें जो बांटना है 3:5 में बांटना, तो 5 भाग इसके ले लीजिए और 3 भाग इसका, इसके 5 को इसके 3 से मिला दीजिए, और डॉट लाइन से मिलाना, क्योंकि 3:5 है। अगर आप इसका 5 इसका 3 भी ले सकते हैं, हमें कुल मिला के पहला भाग 3 करना, दूसरा 5 करना, तो इसका 3 ले लीजिए चाहे इसका 5 ले लीजिए, अनुपात हमें बांटना कोई सा भी इसमें ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसका 3 ले लेता हूँ और इसका ले लेता हूँ 5, इस तरह से हम इसको मिला देंगे 3 और 5 तो कंटिन्यू हो जाएगा, तो इसे 3 और 5 से डॉट लाइन से इस तरह से मिला देंगे। समझ में आ रहा है। अब जहाँ पे काटा इसे हम नाम दे देते हैं। अब हमें ये नाप के भी लिखना कि कितना है, तो अब हम इसको नाप लेते हैं पैमाने की सहायता से। अब देख कैसे नापेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। अब देखिए इसको हमें नापना भी, तो नापना कैसे है, देखिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ से जो मैंने पॉइंट पी रखा है यहाँ तक नाप लेते हैं, तो ये आ रहा है 2.7, तो यहाँ लिख देंगे नापने पर 2.7 और पी वी कितना है, इसे नाप लिख देते हैं हम, ये है 4.3। यहाँ से ऐसे नाप देंगे तो ये आ रहा 4.3। ये इस तरह से हम इसको नाप लेंगे, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो अनुपात आएगा वो 3:5 ही लगभग आएगा। तो इस तरह से ये वाली रचना आपकी हो गई। अगर इसकी रचना के चरण आते हैं लिखने के लिए, तो आपने जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे इसको हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेन है बनाना। इसको आप अच्छे से बना लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब देखो लास्ट और अंतिम रचना मैं बता रहा हूँ, जो वो भी परीक्षा में अक्सर आती है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।
इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं आई समझ में तो वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं अगली रचना। देखिए अगली जो रचना इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसमें क्या एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसका कोण भी जो है वो 90 अंश है, और एक भुजा बी सी 15 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर। स्केल गुणांक जो है वो 2/3 है। अब जरा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्केल गुणांक अगर वो एक से कम हो तो इसका मतलब जो दूसरा त्रिभुज बनेगा, इसके समरूप जो त्रिभुज बनेगा वो इससे छोटा होगा, और ये अनुपात अगर एक से ज़्यादा है यानी कि ऊपर की जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो जो त्रिभुज बनेगा वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे वैसे ही, देखिए इस पैमाने की सहायता से पहले मैं 15 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड पहले मैं खींच लेता हूँ। तो 15 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, लीजिए ये हो गया 15 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड। अब हमें करना क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। 15 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, नाप लीजिए देखिए अच्छे से 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण आप जो है डी की सहायता से बना सकते हैं, लेकिन प्रकार से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 90 अंश का कोण देखिए मैं बना देता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट करना लेता हूँ। ये आ गया पॉइंट हमारा बी और ये आ गया सी। इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए पहले बनाएंगे 60, फिर एक और 60, फिर 60 और 120 का आधा कर देंगे इस तरह से, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ रखा 60, फिर यहाँ रखा 120 और फिर 120 और 90 का आधा, ये बन गया 90 अंश। 120 और 60 का आधा 90, ये बन गया 90 अंश का कोण। लीजिए मैं इसको मिला देता हूँ। अब करना क्या है, देखिए ये है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भरकर इस तरह से, समझ आ रही होगी, प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी इस तरह का भर लेनी है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर दूरी भरकर अब हमें यहाँ से चाप लगा देना, तो ये आ गया हमारा पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट आ गया हमारा ए, ए। अब देखिए हमें करना क्या है, इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसका स्केल गुणांक 2/3, 2/3 का मतलब इससे छोटा त्रिभुज है। अगर ये अनुपात एक से ज़्यादा होता तो इससे बड़ा त्रिभुज होता, वो भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। तो इसको पैमाने से फिलहाल हम मिला दीजिए। जी मिल गया, ठीक है। अब इसके समरूप त्रिभुज बनाना, कैसा बनाना, इसके समरूप, ठीक है। तो हमें करना क्या, इसमें जो अनुपात बड़ा है यानी कि जो संख्या बड़ी है तीन है, तो यहाँ पर पहले एक न्यून कोण बना देते हैं। न्यून कोण आप नाप के ही बना सकते हो या बिना नाप के भी बना सकते हो। देखिए मैं यहाँ ऐसे ही बना देता हूँ न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण होना चाहिए, आप कैसे ही बना दीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप प्रकार से बना दीजिए चाहे ऐसे ही बना दीजिए। तो मैंने लीजिए ऐसे ही न्यून कोण बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ कुछ भी कोण हो सकता है। अब इसमें जो बड़ा होगा उसके इतने भाग करने, जैसे तीन है तो तीन बराबर भाग में इसके कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे कर लेंगे जैसा आपको सूट लगे। एक, दो और ये तीन, देखिए तीन भाग कर लिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पहले, वो बी वन, बी टू और ये बी थ्री। अब करना क्या, जरा ध्यान समझेंगे। आपको सबसे पहले ये लास्ट वाले को, लास्ट वाले को सी से मिला देना, ठीक है। तो लास्ट वाले को सी से हम मिला देंगे पैमाने की सहायता से। तो ये मैंने जो है इसको मिला देता हूँ, डॉट लाइन का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, हमें इसके समांतर यहाँ से लाइन खींचनी है, ठीक है। तो समांतर लाइन जो खींचते हैं वो सेट स्क्वायर की सहायता से खींचते हैं, तो इसके समांतर यहाँ से लाइन खींचनी है। जो कैसे खींचेंगे,
सेट स्क्वायर का यूज कर लेगा। लेकिन सेट स्क्वायर इसके जो तिकोने होते हैं गुनिया, इनको हम जो है सेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या है ये? सेट स्क्वायर। अब इसकी सहायता समांतर लाइन खींचती है। देखो कैसे खींचेगी, इसे यहाँ पर ऐसे रख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रही। अब इसकी साइड से ये लगा लीजिए। अब उसे इतना खिसकाना है, देखिए अच्छे देख लीजिए, ठीक है। अब इसको कहाँ तक लेके जाना है? यहाँ तक, बी तक लेके जाना है, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से इसे मिला देना। देखिए ये जो नया त्रिभुज बन गया, वो बन गया ये वाला ए डैश बी सी डैश। ये जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। इसकी जो भुजाएं हैं बड़े त्रिभुज की तुलना में कितनी है? 2/3 है। तो मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ। जो बड़ा है, जो बड़ा वाला त्रिभुज था उसकी साइड कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सा साइड के नेम लिख देते हैं। और ये कितना था? 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दे तो अच्छा लगता है। लास्ट में लिख दे, शुरू में लिखते हैं तो थोड़ा सा गंदा सा लगने लगता है। अब इसको एक काम और करें, जो फाइनल है उसको डार्क ज़रूर कर दें, क्योंकि ये दिखना अलग है, ज़रूरी है। जो क्वेश्चन में पूछा है वो दिखना चाहिए। तो इसको आप जो है इस तरह से डार्क कर दें। डार्क पेंसिल, दो तरह की पेंसिल का यूज करें, एक लाइट पेंसिल और एक डार्क पेंसिल। तो डार्क वाली पेंसिल से इसको डार्क करते हैं, दिखना चाहिए अलग। देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको भी डार्क करना है। ठीक है, दिख रहा है? तो आपको लग रहा होगा देखो बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है। तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा डार्क कर देना, इससे जो है बिल्कुल अलग से। तो ये जी, ये बन गई आपकी रचना। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो अनुपात है वो 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 है यानी ऊपर का कम है, तो ये त्रिभुज अंदर की ओर बना। और अगर ये अनुपात बढ़ा जाए, यानी कि यहाँ से नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली बढ़ी आ जाए, तो ये त्रिभुज अंदर की जगह बाहर की ओर बनेगा। तो मैं ये आपको बना कर दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए मैं जो है इसी को आगे कर देता हूँ। यहाँ 2/3 की जगह मैं 4/3 कर लेता हूँ। तो ये ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी होगी उतने ही भाग नीचे करने हैं। जैसे यहाँ पे 3 भाग करे, 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ 3 बड़ा था। अगर ऊपर वाली संख्या बढ़ी तो इसके उतने ही भाग करने हैं, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखिए ये वाली जो रचना है इसमें क्या है, ये ऊपर का जो अनुपात है वो ज़्यादा है। तो जो चीज़ ज़्यादा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उतने ही हम न्यूनकोण बनाते हुए उसके भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं न्यूनकोण बना लेता हूँ। इतना काम तो आपको वैसे ही करना जैसे पहले वाली रचना में मैंने किया था। पूरा समकोण त्रिभुज देखिए वैसे ही बनाया, बस अंतर यह है कि वो जो समरूप त्रिभुज था वो इससे छोटा था, आपके इससे बड़ा बनेगा। बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या है वो जड़ी है, यानी कि ये जो अनुपात है वो 1 से ज़्यादा है। तो देखिए पहले मैं न्यूनकोण बना देता हूँ। आप भी न्यूनकोण ऐसे ही बना सकते हो किसी भी नाप का।
अब देखिए इसके कितने भाग करने हैं हमें, जितनी जो बड़ी संख्या उतने भाग करने हैं। पहले तीन बड़ा था तो तीन भाग किए थे, आपका चार बड़ा है तो चार भाग करेंगे। तो चार भाग में इसके कर देता हूँ, थोड़ा बड़े बड़े में कर लेता हूँ, अच्छे लगेंगे थोड़े से। एक ये से, दो तीन और ये चार, ठीक है। आप ये करना ज़रा समझेंगे इसको। तो इसे जो है पहले भाग को हमने कह दिया V1, दूसरे को कह दिया V2 और तीसरे को कह दिया V3। कितने भाग करने, जो संख्या इनमें बड़ी होगी, अगर ऊपर वाली बड़ी है तो ऊपर वाले। अब यह करना हमें, देखिए पहले हमने लास्ट वाले को यहाँ से मिलाया था क्योंकि आपके छोटा खींचना था, आपके बड़ा खींचना है इससे। तो क्या करना हमें, जो तीन वाला है तीन वाले को यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। क्या करना, तीन वाले को यहाँ से मिलाएंगे, ये अंतर करना पहले में और इसमें अंतर। पहले हमने ये थ्री को यहाँ से मिलाया था, मिलाया अब भी थ्री को मिला रहे हैं। ये वाला पहले अंदर की ओर था पॉइंट, आपके बाहर की ओर है। अंदर की ओर है तो अंदर की ओर खींचा और बाहर की ओर है तो बाहर की ओर खींचेंगे। तो इसमें इस तरह से हम थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं। देखिए ये जो पॉइंट था ये पहले छोटा था, अंदर की ओर खींचा था, ऊपर वाला पॉइंट आपके बड़ा है तो बाहर की ओर खींचेंगे। अब इसे के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए मैं इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब करना क्या, ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसके समांतर यहाँ से लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके समांतर यहाँ से कैसे खींचेंगे, साइड स्क्वायर की सहायता से हम खींच सकते हैं। देखिए मैंने जैसे पहले बताया था, जैसे इसके समांतर हमें खींचनी है तो इसे आप चाहें यहाँ लगा सकते हो, ऐसे करके रख दी, ठीक। इसे यहाँ तक लेके आना, तो कैसे आएगा, इसमें सपोर्ट लगा देते हैं साइड से। देखिए ये सपोर्ट मैंने लगा दी यहाँ से, ऐसे करके, समझ आ रही। तो देखिए साइड से ये हो गया, अब मैं सपोर्ट मैंने यहाँ पर ये लगा दी। इसे कहाँ तक लेके जाना, यहाँ तक B4 तक लेके जाना। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या करा, ये देखिए ये लिया है, ये छूटना नहीं चाहिए। अब थोड़ा कम पड़ लिया तो क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ इसको, तो मैंने थोड़ा आगे ले लिया क्योंकि छोटा पड़ गया था, ठीक है। अब देखिए इसको, अब इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। कहाँ तक लिखाना है इसको, B4 तक, देखिए आ गया। अब आपको इसे जो है पेंसिल से मिला देना, हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही ये पॉइंट मिल गया हमें C-, कौन सा पॉइंट मिल गया ये C-। अब हमें AC के समांतर खींचना है, AC के समांतर कैसे खींचेंगे, देखिए ऐसे करके वहाँ तक लेके जाना है। तो छोटा पड़ गया ये, कोई बात ना, दो बार में खींच लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा, ये इसे इसे जो यहाँ तक सी तक लेके जाऊँगा मैं, तो सी तक कैसे लेके जाएंगे, देखिए साइड से ही लगा दिया और ये समझ आ रही है, छोटा पड़ गया ये, कोई बात नहीं, मैं इसके से ही खींच सकता था। अब मैं इसको और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसे भी आगे मिलाना है। लीजिए ये मैंने बढ़ा दिया, अब इसी को आगे यहाँ तक बढ़ा दीजिए। तो बढ़ाने आप हमारे की सहायता से बढ़ा सकते हो इसको ऐसी, ले लीजिए ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज आ गया A-। पहले A-BC अंदर की ओर बना था, ठीक है। आपका A-C कहाँ की ओर बन गया, बाहर की ओर बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये ज़्यादा है तो बाहर की ओर बनेगा, ये कम है तो अंदर की ओर बनेगा। तो जो बना है मैं उसको डार्क कर देता हूँ। अब देखिए पैमाने की सहायता से इस तरह से आपको ये डार्क कर देनी है। अब देखिए बिल्कुल अलग ही बना दिखाई दे रहा है कि जो बड़ा त्रिभुज है A-, मैं डैश इसको डार्क कर देता हूँ, A-BC- जो है वो इस वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। और जिसकी जो भुजाएँ हैं वो स्केल गुणांक है, वो 4/3। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको हमारा मेथड समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए SP मैथ्स चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।